नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवासी माझी और मेरे कुछ फ्रेंड्स अदिति मलकानी, नमिता कड़ू और श्रावणी कमटम, हम श्रीमती के बी अग्रवाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चांदवड़ के आखिरी वर्ष के विद्यार्थिनी और एनएसएस वॉलंटियर होने के नाते हम आपको अभी के गंभीर विषय पे मात करके विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस संदर्भ में हम आपको जानकारी एक छोटे से स्किट के रूप में बताएंगे। कहानी है मुंबई के एक छोटे से परिवार की, जहाँ 35 वर्ष की महिला कुछ जीवन आवश्यक वस्तु खरीदने बाजार गई थी। अब ये लीजिए, ले आई मैं सब्जियाँ। भाभी मुझे एक गिलास पानी ला दो ना। माँ पता है बाहर कितनी धूप थी और भीड़ तो बहुत ही थी, थक गई हूँ मैं। भाभी एक लारी में पानी आपके लिए, आप पहले बाहर से आ जाना, हाथ मुंह धो लो, कपड़े चेंज करो, मैं लाती पानी आपके लिए। बाद में नहीं भाभी, अब भी पानी ला दो। भाभी जी के बोलने के बाद भी उन्होंने सेहत का ध्यान नहीं रखा। पानी के लिए बेटा बाहर बहुत भीड़ थी, क्या सामान लेते वक्त कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? 6 दिन बाद सुबह 9:30 बजे। माँ, भाभी, मुझे 3-4 दिनों से थोड़ी सूखी खांसी, हल्का बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही है और थकावट भी है। बहू, बेटी को दवा खाने लेके जा। माँ, मैं अकेली चली जाऊंगी, क्यों भाभी जी को तकलीफ? महिला डॉक्टर के पास जाती है। कहिए आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे वो 3-4 दिनों से सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ और थकावट महसूस हो रही और बहुत बुखार भी है, और ये सब अभी 3-4 दिनों से ही शुरू। अच्छा, क्या गए 4-5 दिन में आपने कुछ ठंडा खाया पिया? नहीं। क्या उसके पहले 10-15 दिन पहले आपका ज्यादा एसी में उठना बैठना होता था? नहीं। पहले कभी हुई थी? नहीं जी, ऐसा पहली बार हुआ है मुझे। अच्छा, और कोई बीमारी आपको? नहीं। क्या आपके इलाके में किसी को इसी तरह की तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप है? आरोग्य सेतु ऐप तो नहीं है मेरे पास। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, इससे ये समझता है कि आपके आसपास के इलाके में कोई इसी तरह के बीमारी से पीड़ित है या नहीं, और उस पे से जो जानकारी मिलती है उससे आपने खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो और ये बीमारी से पीड़ित होने का बचाव कर सकते हो। ओके डॉक्टर। पिछले 10-15 दिन में आपका कहीं बाहर निकलना हुआ था घर से? हाँ, गई थी मैं बाजार, कुछ दिन पहले सब्जी लेने गई थी। सुबह का समय होने के कारण थोड़ी भीड़ थी बाजार में। क्या वहाँ सब लोगों ने मास्क लगाया था? क्या आपने मास्क लगाया था सबसे पहली बात? तो मास्क तो नहीं लगाया था मैंने। अभी आपके साथ कौन आया है? कोई नहीं आया है, मैं तो अकेली ही आई हूँ। देखो, आपको सांस लेने में तकलीफ ज्यादा हो रही है, कल दिमाग का तकलीफ है वो कहीं ज्यादा मात्रा में है, तो फिलहाल इस पे एक ही उपाय है कि आप जल्द से जल्द भर्ती हो जाए। तो तुरंत आपके घर पे किसी को फोन करो और उनको अभी के अभी इधर बुला लो। डॉक्टर, वो दवाई देकर नहीं होगा क्या? दवाई से अगर इलाज करने गए
तो वो चिंताधारक रहेगा। अगर आप एक बार भर्ती हो गए तो आपका इलाज भी चालू हो जाएगा और उसके साथ ही साथ अलग अनेक कहीं जांच भी किए जाएंगे, तो भर्ती होना ही बेहतर। ओके डॉक्टर। महिला घर पे कॉल करके भाभी जी को बुला लेती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है। साथ ही जांच करने के लिए नमूना भेज दिया जाता है। अच्छा, आप उनकी भाभी जी हो क्या? अच्छा, देखो उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। घबराने की और चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस हमें आपकी मदद इस तरह लगेगी कि आपकी ननद गए 10-15 दिन में कौन से जगह जाके आए हैं उनकी उसकी जानकारी हमें लगेगी, और साथ ही साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों का नाम, उनका उम्र और क्या करते हैं वो, और वो सभी का जांच भी करना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा था आते ही हाथ मुंह पाँव धो लो, कपड़े बदलो, ऐसा होता नहीं था, बट उन्होंने मेरी बात कहाँ मानी। पहली बात तो शांत हो जाओ, इस बीमारी को इतना घबराने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत से पीड़ित लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं, होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आपके परिवार वालों को अच्छी तरह से संभाल सके। जिसको ये रोग पकड़ता है उसके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। कौन बोला, कहाँ सुना आपने ऐसा? ये बीमारी उन्हीं लोगों के लिए हानिकारक है जिन्हें कोई पहले से ही रोग है या फिर उनकी शरीर की प्रतिकार शक्ति कम है, जिनकी शरीर ठीक होने के लिए साथ नहीं देते। प्रतिकार शक्ति कम है जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे या फिर बड़े बुजुर्ग, आजीवन बीमारी से पीड़ित है, हानिकारक है। अभी आपके ननंद को तो पहले कोई बीमारी थी भी नहीं, ना ये बीमारी उनको कभी पहले हुई है, तो घबराने जैसी और चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ओके जी, चलेगा। घबराओ मत, सिर्फ मुझे आपकी एक मदद लगेगी कि आपके घर के सभी सदस्यों का जांच करना पड़े। ओके जी, चलेगा। पुलिस अधिकारी और वैद्यकीय कर्मचारी उनके घर जाते हैं। जी नमस्ते माता जी। जी नमस्ते बेटा जी। हमें ना आपका सबका कुछ नमूना चाहिए होगा जांच करवाने के लिए। नहीं नहीं डॉक्टर, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकता है, हम हमारे जमाने में देसी घी का है, हम तंदुरुस्त है। देखिए अम्मा जी, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, जो लोग सुरक्षता से काम कर रहे हैं उन्हें तक ये बीमारी हो रही है। आप एक तो पहले से ही 60 वर्ष के ऊपर के हो, इसलिए जांच करवा लेना बेहतरीन रहेगा। अगर नहीं है बीमारी तो खुशी की बात है, बट अपने खुद की सेहत संभालने के लिए, खुद के दिलासे के लिए पहले एक बार अपने को जांच करके देखना चाहिए ना। का शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने की अपनी खुद की जिम्मेदारी बन। बूढ़ी माँ सुनती नहीं है, भाभी जी और उनकी बेटी ने नमूना दिया। भाभी जी और उनकी 20 वर्ष की लड़की का रिपोर्ट नेगेटिव आता है। माँ क्या हुआ आपको, अचानक ऐसे क्यों हो रहा है? माँ आप ठीक तो हो ना? बहू तुरंत माँ को अस्पताल ले जाती है। नहीं, ये दवा की तकलीफ पहले से है? हाँ, करीब 20 साल से है उन्हें दमा की तकलीफ। इसके साथ और कोई बीमारी इनको पहले से है? मधुमेह। मधुमेह?
कब से? मधुमेह तो फिलहाल अभी कुछ कीमान 10 या 11 साल हुए होंगे। देखते हैं, अब उनका नमूना लिया गया है, वो जांच के लिए आगे भेजा है, उसके साथ ही इनको भर्ती करके इनके ऊपर इलाज चालू कर दिया गया है। स्वयं स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टर और अन्य वैद्यकीय कर्मचारी पुलिस अधिकारियों को सहकार्य करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, कोरोना से बचने के लिए भीड़ भाड़ जगहों पर ना जाएं, बीमार लोगों से दूर रहें, खांसते या छींकते समय रुमाल का उपयोग करें, थोड़े थोड़े समय पर हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं, नाक कान और आंखों को स्पर्श ना करें, बीमार होने पर नजदीक के डॉक्टर को संपर्क करें और जल्द से जल्द जांच करवाएं। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे।